प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेड में एंट्री कैसे लेते हैं और कौन से टाइप की एंट्री होती है जो पॉसिबल है एक ट्रेडर के लिए। मैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो बेसिकली देर आर तीन टाइप के एंट्रीज होते हैं और तीनों में अपना अपना रिस्क होता है, अपना अपना एक रिवॉर्ड होता है। आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल एंट्री है और उस हिसाब से आपको प्ले करना है। समझ लेते हैं कि पहले वो क्या होता है और उसकी एंट्रीज कैसी होती है और स्टॉप लॉस कैसा होता है। ठीक है, तो पहला जो एंट्री होता है वो होता है एम्बुश एंट्री। अभी यहाँ पर मैंने रैंडम चार्ट लिया है बैंक निफ्टी का और यहाँ पर मैंने एक सप्लाई जोन मार्क किया है ब्लैक लाइन से और एक यहाँ पर एक डिमांड जोन है। ठीक है, तो वो सप्लाई और डिमांड जोन मैंने मार्क कर दिया है और फिर वहाँ से होता ये है कि मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है, अब क्या करेंगे। तो जो एम्बुश एंट्री वाले लोग हैं वो जैसे ही यहाँ पर प्राइस आएगा ये ब्लैक लाइन पर वो अपना एंट्री ले लेंगे। उनका एक फिक्स स्टॉप लॉस होता है और उस हिसाब से वो काम करते हैं। वो ना रुकते हैं कैंडल खत्म होने के लिए, ना रुकते हैं कुछ और सिग्नल्स के लिए। वो जब प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, उन्होंने एक जोन मार्क कर रखा है, प्राइस जब वहाँ पे आएगा छुएगा वो वैसे ही उनका ऑर्डर पहले से ही प्लेस होता है और वो एंट्री ले लेते हैं उसमें। तो एम्बुश एंट्री में ऐसा है कि आपका हो सकता है कि आपका एंट्री जो होगा वो एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे है, बट आपको एग्जैक्टली स्टॉप लॉस पता नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट और गिरता रहे और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाने के बाद मार्केट और गिरे और आपका स्टॉप लॉस आपको पता ही ना हो कि कहाँ लगा है। तो आपको एम्बुश एंट्री वालों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनको एक फिक्स स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कि इतने पॉइंट्स के लिए मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब एम्बुश एंट्री होता तो सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें आपका जो अगर ट्रेड आपके फेवर में आ जाता है तो आपकी एंट्री सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे हुई है वैसा लगेगा। बट उसके साथ रिस्क भी है कि अगर मार्केट अगर आपका रीडिंग अच्छा नहीं है और मार्केट को और गिरना है या आपका जो जोन मार्क किया है वो अगर ठीक मार्क नहीं किया हुआ है तो हो सकता है कि आप बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होते रहे। तो एम्बुश मार्केटिंग एम्बुश जो एंट्री है उसके लिए बहुत अच्छा खासा रीडिंग आना चाहिए चार्ट का। बट एनीवेज वो एम्बुश मार्केटिंग किसे कहते हैं ये समझने के लिए आपको मैंने ये चार्ट दिखाया है। तो एम्बुश मार्केटिंग वाला एंट्री यहाँ पर करेगा। एम्बुश एंट्री वाला एंट्री यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एम्बुश एंट्री। ये है एम्बुश एंट्री का ट्रिगर। एक मिनट, एम्बुश एंट्री यहां पर। ठीक है, दूसरा टाइप का जो एंट्री होता है वो है रीटेस्ट एंट्री। अब ये जोन तो मार्क किया हुआ था और फिर क्या होता है कि मार्केट वहां से वो पॉइंट से घूम जाता है और फिर वो पॉइंट पे आकर एक बार उसको फिर से टच करता है, तो इसे कहेंगे रीटेस्ट। अब इसमें क्या है कि एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ओके, मार्केट रुक गया है, थोड़ा ऊपर गया और वापस रीटेस्ट के लिए आया है, तो उसे हम नाम दे देंगे रीटेस्ट।
यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंट्री है, ये रीटेस्ट एंट्री है, तो एम्बुश एंट्री हो गया, ये समझ में आ गया, पहली बार में एंट्री ले लेंगे। और अगर थोड़ा एम्बुश एंट्री में भी ऐसा हो सकता है कि आप एक कैंडल के लिए रुक जाओ, और वो अगर बुलिश कैंडल बना रहा है तब आप एंट्री ले लीजिए, वो कैंडल में एंट्री ले लीजिए, ठीक है। सेकेंड एंट्री होता है रीटेस्ट, एक बार मार्केट वो पॉइंट को टच किया, ऊपर गया और वापस वही पॉइंट पे आया, तभी आपने एंट्री लिया कुछ बुलिश साइन मिलने के बाद। तीसरा जो होता है वो होता है ट्रेडिशनल एंट्री, जिसको हम लोग मतलब पूरा चार्ट में ब्रेकआउट होने के बाद वो जो एंट्री लेते हैं नॉर्मली, उसे रीटेस्ट एंट्री कहते हैं, अरे ट्रेडिशनल एंट्री कहते हैं। अब उसमें ये आपको अगर देखे तो एक एक बॉटम डबल बॉटम, ये डबल बॉटम पैटर्न बन गया है, और उसका ब्रेकआउट का ये जो ये है वो है नेकलाइन, वो नेकलाइन जब टूटेगा तो उधर बनेगा एक एंट्री, जिसको हम कहेंगे, बताता हूँ, ट्रेडिशनल एंट्री। तो हुआ ऐसा है कि एम्बुश एंट्री का रिस्क छोटा होता है, रीटेस्ट में कंफर्म होने के बाद मिलता है आपको और एक चांस, एम्बुश के लेवल पे ही आप बाय कर रहे हो, बट एक कंफर्मेशन के बाद। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एम्बुश एंट्री मिल जाए और मार्केट वहीं से ही रिवर्स हो जाए और रीटेस्ट हो ही नहीं, तो थोड़ा रिस्क एम्बुश एंट्री में ज्यादा है, बट एडवांटेज भी ये है कि अगर मार्केट रीटेस्ट नहीं होता है तो आपको एम्बुश एंट्री में कम से कम वो ट्रेड जो प्रॉफिटेबल है वो मिल जाता है। रीटेस्ट हो या ना हो, ऐसा हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि रीटेस्ट हो ही नहीं और आपकी एंट्री रह जाए, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया था जोन पर आप रीटेस्ट के लिए रुके और फिर आपसे वो ट्रेड छूट गया, ऐसा हो सकता है, बट सेफ है रीटेस्ट एंट्री इन सभी एंट्रियों में। और जो तीसरा एंट्री है ट्रेडिशनल एंट्री, ऑन ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले रहे हो, एंट्री ले रहे हो, उसमें हो सकता है कि ब्रेकआउट हो बट वो फेक ब्रेकआउट हो, या बस खाली ट्रैप करने के लिए थोड़ा ब्रेकआउट दे दिया और फिर रिवर्स हो जाए। रिस्क सभी में है, आप अपना रिस्क कितना मिनिमाइज कर सकते हो, कितना आपका चार्ट रीडिंग अच्छा है, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। तो एम्बुश एंट्री, रीटेस्ट एंट्री, ट्रेडिशनल एंट्री, और चौथा एक एंट्री होता है जो है जो बोनस एंट्री समझ लीजिए आप मेरी तरफ से, वो किसी ने नहीं लेना चाहिए, वो है रैंडम एंट्री, मतलब ना रिटेस्ट है ना ट्रेडिशनल है ना एम्बुश एंट्री है, बस आपको लगा कि अभी मार्केट मार्केट गिर चुका है, अब और कितना गिरेगा सोच के आपने ले लिया, तो वो है रैंडम एंट्री। वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादातर लोग वहीं पे पैसा खोते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, यहाँ पर एक इंसान मतलब यहाँ पर करता है, समझो ये एक छोटा सा बाउंस यहाँ से आया था, वो सोच के वो एंट्री ले लेता है यहाँ पर, और उसे लगता है कि एकदम परफेक्ट एंट्री है, मेरा तो सब हो गया, और मार्केट दो कैंडल रिस्पेक्ट भी देता है उस लेवल को, और फिर वहां से घूम जाता है। तो आपका रैंडम एंट्री अगर रहेगा कहीं पे भी कि बस चलो ले लिया 16,200 राउंड नंबर पे ले लेता हूँ, 16,200 बस हो गया, 16,200 के नीचे नहीं जाएगा, तो अगर ऐसा कोई भी रैंडम एंट्री है तो आपका रिजल्ट भी तैयार, रिजल्ट के लिए तैयार रहिए जो आपके फेवर में ज्यादातर टाइम तो नहीं होगा, ना आपका रिस्क होगा ना रिवॉर्ड होगा। जैसे बेसिक्स किसी भी चीज में स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही हमारे ट्रेडिंग में भी बेसिक्स में एक चीज बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि रिस्क और रिवॉर्ड। अगर रिस्क हम 1 रुपया का ले रहे हैं तो रिवॉर्ड 2 रुपया कम से कम होना चाहिए। आपको ट्रेड लेने के पहले ही मालूम होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है और आपका एग्जिट कहाँ है। अगर आपको स्टॉप लॉस और एग्जिट नहीं पता है तो वो ऐसा हो जाएगा कि आप बीच बीच समंदर में खो गए हो, और कहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, कहाँ पे डायरेक्शन कोई पता नहीं है, अपना स्टॉप लॉस रख पाओगे ना टारगेट ले पाओगे। तो हमेशा याद रखना है कि हमारी एंट्री हमें हमारा एग्जिट का पता पहले ही बता देना चाहिए। तो हमारी एंट्री होती है तभी हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्जिट कहाँ होना चाहिए।
तो इसी के साथ आप हमेशा जो भी आप ट्रेड लेते हो उसमें ध्यान रखना कि ये तीन तीन टाइप की एंट्री होनी चाहिए, और आप जब भी ट्रेड जर्नल अगर मेंटेन करते हो तो वहां पे लिखिए कि आपने कौन से टाइप का एंट्री लिया है और कौन से पैटर्न पे कौन से टाइप की एंट्री अच्छी होती है। वो अगर आपके नॉलेज में और अगर आपके ट्रेड जर्नल में वो मेंटेन करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का पैटर्न में कौन सी एंट्री सेफ है और कौन सी एंट्री रिस्की है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।